अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबद हुसैन। आप देख रहे हैं ये हमारा यूट्यूब चैनल। ये हैं जी हमारे भाई सईद साहब और उधर हैं जी हमारे अंकल मज़हर साहब। रमज़ान का महीना है जी, जुमे का एक दिन था, छुट्टी है, हम भी बाहर निकले रात को। अभी तो तकरीबन दिन रात का एक बज चुका है। हमने सोचा कि थोड़ा सा पार्क में घूम कर आते हैं, यहाँ आए, थोड़ा खाया पिया, चाय वगैरह पिए, और अभी सोचा कि थोड़ा मज़ीद इन्जॉय करने के लिए बाहर निकलते हैं। और बड़ा ही प्यारा मौसम है जी आज, गर्मी तो बिल्कुल नहीं है, लाइटें लगी हुई हैं, जगह बहुत अच्छी है। ये पीछे देख सकते हैं जी, मार्केटें लगी हुई हैं, ज़रूरत की हर चीज़ बिक रही है यहाँ पे। रिफ़्रेशमेंट आपको हर तरह का मिलेगा यहाँ पे, और बैठने की जगह भी है, छोटे छोटे होटल हैं, छोटी छोटी मार्केटें हैं, यानी आप हर तरह का एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। रात को मगरब के बाद, ईशा के बाद ये खुल जाती हैं। वैसे तो अफ्तारी भी कई लोग यहाँ पे आके करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो रश होता है ना वो ईशा के बाद ही होता है, ईशा के बाद से लेकर सहरी तक। और इस तरफ सी पोर्ट है जी, ये अंदर सी पोर्ट है, जहाज़ खड़े हैं अंदर, और वो सामने उनका एक टावर है, अभी आपको दिखाते हैं। ये यम्बो सी पोर्ट का जी कंट्रोल टावर है, यहाँ ऊपर से जो है ना सारा सिस्टम जो है ना वो चलाया जा रहा है। इधर सारी मार्केट है, इस तरफ मासद भाई भी उस तरफ है, ये मीना है जी, ये सी पोर्ट है। इस पार्क की जी इस तरफ पार्किंग है, सारी गाड़ियां यहीं पे आके खड़ी होती हैं, आसान भी है, यहां से गाड़ी वहां से अंदर ले आओ, यहां खड़ी कर दें, और फ्री पार्किंग है, कोई पैसा नहीं है, सारा दिन खड़े रहो, दो दिन, चार दिन, छः दिन खड़े रहो, कोई मसला नहीं है। ये पुराने घर हैं जी, बहुत ही पुराने, पुराना जो है ना ये सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। ये यहाँ पे जी वॉशरूम बने हुए हैं, इस तरफ वजू कर सकते हैं, बाथरूम अंदर है नहीं, पब्लिक प्लेस में ज़रूरत। ये यम्बो हिस्टोरिकल प्लेस है जी, हिस्टोरिकल यानी कि ये आसारे कदीमा है, पुराने पुराने घर हैं यहाँ पे। ये पुराने घरों को जो है ना नया करके तोड़ के फिर उन्हीं पत्थरों से नया बनाया गया है, फिर इसको एक तफरी की जगह बना दी गई है। पार्क है, साथ में मार्केटें हैं, ज़रूरत की तफरी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। और ये इस तरफ देखें, ये सब पुराना है, पुराने को उन्होंने नया किया हुआ है। ये पूरी मार्केट है बनी हुई, इस तरफ पार्क है, बिल्कुल
सी पोर्ट के साथ। बैठने के लिए बड़ी खूबसूरत जगह बना दी गई है जिन्होंने। ये पीछे देखें सोफे लगे हुए हैं, फैमिलीज वगैरह बैठी हुई हैं। मैं आगे पीछे दिखा नहीं सकता आपको इसलिए क्योंकि फैमिलीज बैठी हुई हैं आगे पीछे, इसलिए आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। ये लिखा हुआ जी यम्बो हिस्टोरिकल। ये है जी ग्रीन पार्क, नीचे देख सकते हैं घास लगी हुई है इस तरफ। मेरे सामने पीछे लिखा हुआ है जी यम्बो हिस्टोरिकल, यहाँ से शायद उल्टा नज़र आया आपको। रात के 2 बज गए हैं जी, मौसम हो गया ठंडा, काफ़ी देर हम यहाँ बैठे रहे और अभी सबको सर्दी लगना शुरू हुई है, हवा भी चलना शुरू हो गई है अभी, और हमने भी सोचा है कि इससे पहले के मज़ीद ठंड हो जाए हम भी यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं घर की तरफ। अभी यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं पहले मार्केट में और फिर वहाँ से जो है ना कुछ चीज़ें लेके फिर आ गई यहाँ से जाना है घर की तरफ। ये है जी यम्बो की पुरानी मार्केट, ऊपर आप देख सकते हैं लकड़ी की छत है इसकी, लकड़ी के दरवाजे हैं। मार्केट अभी बंद हो गई है क्योंकि अभी सहरी का टाइम नज़दीक लग रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना वो लेडीज़ दुकानदारी करती हैं क्योंकि लेडीज़ सामान ज़्यादा बिकता है यहाँ पे, इसलिए लेडीज़ के लिए ये बड़ा बेहतरीन ज़रिया है जी रोज़गार के लिए। यहाँ की गवर्नमेंट ने इनको बना कर दिया हुआ है और वहाँ से हम दाखिल हुए और यहाँ से हम आ गए बाहर। ये पीछे एक स्कैनर लगा हुआ है, इसको स्कैन करें तो ये पूरी हिस्ट्री आ जाती है इस जगह की। ये पीछे पुरानी मार्केट, ये तोप पड़ी हुई है जी गोले मारने के लिए। यहाँ पीछे जो है ना जी एक जगह बनी हुई है, यहाँ चिप्स वगैरह मिलती है बहुत ज़बरदस्त किस्म की। अभी हम बैठे हैं यहाँ पर खा कर गए हैं, अभी अंधेरा हो गया यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। हम घर जा रहे थे जी, जारू भाई से रब्ता हुआ, उन्होंने कहा जी मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, इन्होंने किसी का ऑर्डर उठाया हुआ है और ये भी उसी रास्ते पर जा रहे थे। हमने बोला जी हमें भी साथ ले चलो। मैं तो खिदमत कर रहा हूँ ना। खिदमत तो बहुत करते हैं जी आप माशाल्लाह। मैं खिदमत कर रहा हूँ। इन्होंने 2-3 लोगों की डिलीवरी उठाई हुई है जी और इन्होंने देनी भी है उधर, हमें इन्होंने रास्ते से उठाया है और अभी हम जा रहे हैं सीधे घर की। तो टाइम कैसा गुजरा है जी? टाइम माशाल्लाह बहुत जबरदस्त गुजरा है जी। 3:15 बज चुके हैं अभी, 2 घंटे बाकी है अभी हमारे। 3:15 बज चुके हैं और 2 घंटे बाकी है रोजा बंद होने में। अच्छा आपने इधर उतरना है या आगे उतरना है बता जल्दी। अभी अनार की तरह चमक रहा है। अच्छा तो जार भाई आपने और कितनी ड्यूटी करनी है अभी? इंशाल्लाह बस आधा घंटा और तकरीबन, उसके बाद हमारा अपना टाइम हो जाएगा खाने का। सही है जी, जार भाई ने आधा घंटा और ड्यूटी करनी है और हम भी घूम फिर कर आ गए और अभी मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को यहीं पे करें खत्म, टाइम हमारा भी नजदीक है, होटल पे भी जाना है खाना वगैरह लेना है। हमारे साथ मेहमान भी आए हुए हैं आज घर पे, उनको भी साथ लेके जा रहे हैं। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ आरू भाई। अल्लाह हाफिज़ जी, जज़ाकअल्लाह खैर। जज़ाकअल्लाह खैर।